हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टारगेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लेके आए हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या कितनी आसानी के साथ आप ज्ञात कर सकते हैं, आपके रेलवे एनटीपीसी, रेलवे जे और आपका ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम होंगे आप उसमें, अगर आपके कोई भी एग्जाम में आपके इसमें का अगर क्वेश्चन आता है त्रिभुज गिनने वाला, तो आप उसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, ये देखिए, इसमें एक त्रिभुज है। हमें कैसे पता लगा इसमें एक त्रिभुज है? क्योंकि इसके जिसके तीन कोने होते हैं वो एक त्रिभुज बन जाता है। जिसके तीन कोने होते हैं वो एक त्रिभुज बन जाता है। अब इसमें एक त्रिभुज, अगर यहाँ से लाइन खींच देते हैं एक, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? दो त्रिभुज हो गए। कैसे पता लगा हमें इसमें दो त्रिभुज हो गए? तो इसमें हमने एक लाइन ये गिनी, एक लाइन ये गिनी, दो लाइनें हो गई। दो लाइनों का मतलब है इसमें दो त्रिभुज हो गए। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसकी कैसे काउंटिंग करते हैं हम? इसमें लिखते हैं एक दो तीन। अब एक दो तीन लिखने के बाद ये तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हो गया तीन दो पाँच छः, तो कितने हो गए? छः। अब ऐसे ही ये लाइन है, तो इसमें भी हम वन लिखेंगे, टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, तीन दो पाँच और एक जी छः प्लस छः। फिर इसमें वन टू थ्री, इसमें भी आपके कितने हो गए? छः हो गए। तो प्लस छः तो बराबर कितने हो गए? अट्ठारह। तो आपके यहाँ पे इसमें त्रिभुज हो जाते हैं आपके अट्ठारह। जैसे ही ये आए इसमें का, तो आप इसमें ये गिन के जहाँ तक लास्ट वाली बड़ी वाली संख्या लेके, और आप उसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका जितना भी आएगा वो आपके उसके त्रिभुज हो जाएंगे। अगर इसमें ज़्यादा लाइनें खींची हुई हैं, लाइनें ये वाली अगर एक बढ़ा देते हैं तो छः और जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखते हैं, इसमें क्या करते हैं? इसमें भी क्वाइंट करते हैं, वन टू थ्री फोर। और इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर लेते हैं जी, चार नंबर है, ये चार नंबर लेते हैं और चार नंबर का दो से मल्टीपल कर देते हैं। चार नंबर का दो से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। गुणा करके जो आंसर आता है तो वो हमारे त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। जब गुणा करते हैं तो त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। हम इसमें 200 गुणा करते हैं। ये वाला देखते हैं, इसमें भी यही करेंगे, क्वाइंट करेंगे, तो लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसमें कितने खाने हो गए? आठ खाने हो गए। अब आठ का क्या करेंगे? आठ का हम दो से गुणा कर देंगे, तो बराबर कितना हो गया? 16। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। इसी हिसाब से हम ये वाला देखते हैं, इसमें भी लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब यहाँ आठ हो गए। अब इसमें एक पॉइंट वाली बात है, यहाँ से भी एक, जब ये ज्वाइंट होते हैं दोनों, जब ये दोनों का ज्वाइंट होता है तो यहाँ से भी एक एक त्रिभुज बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे बनता है। अब क्या करेंगे? बड़ी संख्या लेंगे आठ। आठ का हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे, आठ गुणा दो। अब हम क्या करेंगे? प्लस, एक ही वाला ये बनना है, फिर प्लस और एक यहाँ से बनना है। ज्वाइंट होने पे दो त्रिभुज बनते हैं, तो प्लस वन। तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगा देंगे, हमें पता है आठ दूनी सोलह, सत्रह और एक अट्ठारह, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 18 त्रिभुज बनेंगे। इसमें ऐसे आता है स्टार, स्टार के अंदर पूछता है, तारा जो होता है स्टार, उसके अंदर पूछता है कितने त्रिभुज बनेंगे। अब आप इसमें गिनो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इसमें भी हम वही करते हैं, इसमें भी हम वही नियम लगाते हैं, जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया। इसमें क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेकर दो से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो गया? पाँच गुणा दो, बराबर कितना हो गया? दस। हमारे इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? दस त्रिभुज बनेंगे। स्टार में कितने त्रिभुज बनेंगे? दस त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। फ्रेंड, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बड़ी आसानी के साथ ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लेके आएंगे स्क्वायर और राइट एंगल, मतलब आयत, आयत लेके आएंगे और वर्ग लेके आएंगे,
वर्गों की काउंटिंग करना और आयत की काउंटिंग करना हम सीखेंगे इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें कितने हैं। 1, 2, 3, 4 तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप, आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें ये याद रखना है कि अगर ऐसे में गिनना है 1 और 2, जिसमें 2 आए तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे, 5 त्रिभुज होंगे। जिसमें अगर 2 आए तो उसमें 5 त्रिभुज होंगे, पक्का बता रहा। ऐसे इसमें देखिएगा 1, 2, 3, अगर जिसमें 3 आएंगे तो उसमें कितने होंगे, 13 त्रिभुज होंगे। अगर जिसमें ऐसे में 3 आए तो उसमें 13 त्रिभुज होंगे, इसे याद कर लीजिएगा आप फ्रेंड। मैं बताऊंगा कैसे निकले हैं, ये भी बताऊंगा अभी। इसमें देखिएगा 1, 2, 3, 4, अगर इसमें 4 आते हैं, 1, 2, 3, 4, अगर इसमें 4 आते हैं तो आप बगैर देखे लगा दीजिएगा इसमें कितने होंगे, 27 होंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। अगर आपके 2 आते हैं, 1 और 2, तो आपकी त्रिभुजों की संख्या 5 होगी। अगर आपके 3 आते हैं तो त्रिभुजों की संख्या 13 होगी। अगर आपके 4 आते हैं तो त्रिभुजों की संख्या 27 होगी। ये फार्मूला दिया हुआ है, अगर ऑड आए तो ये आप फार्मूला लगाइएगा, क्योंकि फार्मूला आपसे याद नहीं होगा इसलिए मैं फार्मूला नहीं बता रहा। अगर इवन आए तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा। तो फ्रेंड जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। NTPC रीजनिंग के और मैथ के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कराने वाले हैं, जो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।